अरे झारखंड में जो एग्जाम हो रहे हैं किसका, आपका क्लास 8 का, ठीक है। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा बाबू जो आपका क्लास 8 के जो मॉडल से जारी किया है, ठीक है, उसके बारे में बाबू आज बात करेंगे, ठीक है। ऐसे वाला कि हमने क्या कर दिया बाबू, अरे पीछे वाला से कर दिया, क्योंकि कल ही आप लोग का एग्जाम है, राजा ने क्या कर रहा आपका अरे बता रहे, ठीक है, थोड़ा सा पहले होना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आंध न बोलते उसको कि आंध बोला तो फिर सभी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। देखिए बाबू, तो अब चलते हैं बाबू क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन बाबू, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको जो दिया है मॉडल सेट में, ठीक है, वो प्रश्न पूछा गया बाबू, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का अरे मानचित्र तैयार करने का बाबू किसे दिया गया था, ठीक है। मतलब लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र बनाने का जो काम जो दिया था वो किसके दिया था बाबू यहाँ पे, तो जेम्स रेनल को दिया था। किसको दिया था आपका, जेम्स रेनल को, ठीक है, जेम्स रेनल को दिया था, ठीक है, किसको दिया था आपका, जेम्स रेनल को। अगर यहाँ पे बात करें बाबू आपका लॉर्ड क्लाइव के बारे में, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बाबू, तो वो भी एक क्या था आपका अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेज अधिकारी थे बाबू, ठीक है, बस रहे ना। उसके बाद वो सेकेंड जो क्वेश्चन है आपका के इतिहास को कितने काल खंडों में बांटा गया, अरे सेकेंड क्वेश्चन जो आपका पूछ रहा है वो आपका क्या पूछ रहा है आपका बाबू, कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, ठीक है। तो इतिहास को बाबू कितने भागों में बांटा गया आपका, तीन भागों में बांटा गया, ठीक है, बोल सकते कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग इतना डिफरेंस मत जाओ, ठीक है, कि सर बोले कुछ नहीं बोले मुझे इसके बारे में कुछ नहीं, जो जान रहा तो बोल ही सकता है, ठीक है। देखो तो सबसे पहले बाबू कौन आपका है, प्राचीन इतिहास है, ठीक है, उसके बाद बाबू कौन आपका, मध्यकालीन है, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास, ठीक है, मध्यकालीन। उसके बाद वो यहाँ पे क्या आपका है, आधुनिक, ठीक है, आधुनिक आने आधुनिक, ठीक है। तो अगर पूछेगा इतिहास को कितने भागों में बांटा गया आपका, तीन भागों में बांटा गया है। अच्छा इतिहास को तीन भागों में बांटने का वो आवश्यकता क्यों पड़ा, ठीक है, जैसे इतिहास को अगर तीन भागों में नहीं बांटा जाता वो तो क्या होता ना, एक ही बार अगर मान लो कि कोई किताब अगर हम लोग के सभी सब्जेक्ट एक ही किताब में देते तो पढ़ने में क्या होता, थोड़ा सा उलझने हो जाती है। लेकिन इस तरह जब बांट जाएगा कि अच्छा ठीक है ये हिस्ट्री का है, ये आपका सिविक्स का है, ये आपका ज्योग्राफी का है, तो इस तरह क्या हो जाता है हम लोग को, इजी हो जाता है, ठीक है, मतलब उस बुक में हम लोग को ज्योग्राफी के बारे में ही सिर्फ पढ़ना है। तो इसको आसान करने के लिए बाबू इतिहास में कितने भागों में बांट गया आपका, अरे तीन भागों में बांट दिया गया, ठीक है, कौन कौन आपका, अरे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन का, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बाबू आपसे पूछा था आपका कि यहाँ पे फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था बाबू, ठीक है, जो फोर्ट विलियम जो किला है वो किस शहर में बनाया गया था आपका, तो कलकत्ता में बनाया गया था बाबू, कहाँ बनाया गया था आपका, कलकत्ता में बनाया गया था, ठीक है। और कलकत्ता किसकी राजधानी है आपका, अरे पश्चिम बंगाल की राजधानी बाबू, ठीक है। अगर आपको एक बात याद रहे यहाँ पे, क्या बात याद रहे बाबू यहाँ पे, तो हम लोग देखे थे बाबू कि भारत का जो राजधानी था, ठीक है, भारत का राजधानी था वो पहले बाबू 1911 से पहले कहाँ था, 1911 से पहले कलकत्ता था वो, लेकिन 1911 के बाद बाबू भारत की राजधानी कहाँ हो गया आपका, नई दिल्ली हो गया बाबू, कहाँ पे हो गया, नई दिल्ली, ठीक है। तो ये कब हुआ था बाबू आपका, 1911 हुआ था, कब हुआ था, 1911 हुआ था। और यही 1911 बाबू कौन सा, यही 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो आपका क्या राष्ट्रीय गान कौन, जनगण मन अधिनायक जय है ना, ये पहली बार बाबू गाया गया था आपका कहाँ पे, 1911 में और कलकत्ता बाबू, ठीक है। उसके बाद वो रविन्द्रनाथ टैगोर आप जान रहे होंगे, ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर बाबू हलाने करो, रविन्द्रनाथ टैगोर बाबू इनको बाबू साहित्य के क्षेत्र में बाबू किसके क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था बाबू, कौन सा पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था कब, 1913 में। और ये कौन सा साहित्य के लिए बाबू आपका, तो गीतांजलि के लिए बाबू, किसके लिए, गीतांजलि के लिए, ठीक है, गीतांजलि एक साहित्य बुक है, ठीक है, जिसके बाद जिसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को बाबू 1913 में क्या दिया गया था आपका, अरे नोबेल पुरस्कार दिया गया था बाबू, ठीक है। और भारत के पूछ देगा प्रश्न क्वेश्चन आपको कि भारत में प्रथम व्यक्ति कौन हुए जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, कौन थे बाबू आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, कितना मिला था उसको नोबेल पुरस्कार, उनको 1913 में। और आप जो राष्ट्रीय गान गाते बाबू उनको गाने में कितना समय लगता है, 52 सेकंड, कितना सेकंड, 52 सेकंड, ठीक है, 52 सेकंड लगता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे आ जाए बाबू न्यूनतम कितना लगता है आपका, तो 20 सेकंड, क्या इतना सेकंड, 20 सेकंड, याद रखिएगा दोनों प्रश्न बाबू, ठीक है, अधिकतम जो है 52 सेकंड और न्यूनतम है वो 20 सेकंड, ठीक है। तो जो अभी खेल स्टेडियम में जो बचता है ना वो पूरा 52 सेकंड का नहीं बचता है, वो सिर्फ कितना, 20 सेकंड रहेगा, ठीक है। चलो तो ये नहीं सोचेगा कि मॉडल सेट का हम लोग एक प्रश्न एक ही प्रश्न लिख रहे हैं क्या, एक प्रश्न लिखे, ठीक है, इससे कई सारे जो प्रश्न जुड़े होते हैं वो सारा हम बताने का क्या करेंगे आपका, अरे प्रयास करेंगे बाबू, ठीक है।
उसके बाद एक और साथ में अगर हाथ रखना चाहता है, हाथ रखने के लिए बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। देखो अगर पूछेगा नई दिल्ली शहर बाबू, ठीक है, नई दिल्ली आपका किस नदी किनारे बाबू, तो यमुना नदी किनारे, ठीक है। कौन सा नदी किनारे, यमुना नदी। और आपका कोलकाता कौन सा नदी किनारे, तो आपका हुगली बाबू, कौन सा नगले हुगली नदी के किनारे है बास। अगर बात करें बाबू कोलकाता का शोक नदी, कौन नदी, शोक नदी, तो दामोदर के कहते हैं बाबू, कौन सा नदी कहते हैं, दामोदर का। और बात करें बिहार का, तो बिहार का शोक नदी, ठीक है, बिहार का शोक नदी अगर बोले तो कौन सा आपका है, अने कौन, गंगा नहीं, कोसी नदी, कौन सा नदी, कोसी नदी बाबू, ठीक है, आ रहेगा ना, ठीक है। नई दिल्ली किस नदी के किनारे पर सब आपका, यमुना, कोलकाता हुगली, शोक नदी कौन है आपका, कलकत्ता के, अरे दामोदर। और बिहार के कौन सा नदी है, शोक नदी, मतलब शोक सर है ना, अगर इसमें अगर बढ़ा जाएगा ना समझो कि पूरा क्या हो गया, प्लेन, इसलिए इसको क्या कहता है, शोक, शोक का मनाते हैं जब मतलब दुख होते थे ना, तो यहाँ पे अगर इस नदी में अगर बढ़ा जाएगा तो गड़बड़ जाएगा मामला, ठीक है, लिख रहे अरे लिख लो ना वीडियो, ठीक है, चल अब लोग फटाफट आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाबू ये है आपका कि टाइगर ऑफ मैसूर, टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहते बाबू, तो टीपू सुल्तान को, किसे, टीपू सुल्तान, ठीक है, अरे टीपू सुल्तान, हाँ टीपू सुल्तान को। और टीपू सुल्तान के पिता बाबू कौन थे, हैदर अली, कौन बोल रहा है, बहुत अच्छा, हैदर अली थे बाबू, ठीक है, हाँ हैदर अली, अच्छा हैदरी लिख दिया हैदर ना, होता है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हैदर अली थे बाबू, ठीक है। उसके बाद वो इनका यानी हैदर अली बाबू यानी इनका बाबू दूसरी, ठीक है, या बोल सकते दूसरा, ठीक है, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध बाबू इनको यानी क्या कर दिया गया, मार दिया गया, ठीक है, यार इस युद्ध में द्वितीय यानी आंग्ल मैसूर युद्ध बाबू इनका क्या हो गया आपका, वीरगति प्राप्त हुआ, ठीक है। अरे आंग्ल मैसूर युद्ध बाबू कितना हुआ आपका, चार हुए, कितना हुए, चार हुए, जिसमें दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन मारा गया आपका, अरे हैदर अली, कौन, हैदर अली। और आपका टीपू सुल्तान बाबू कब मारा गया आपका, तो 1799 बाबू, कब, 1799 में, ठीक है। और ये कौन सा अरे चतुर्थ आंग्ल, ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, ठीक है, आपका क्या हुआ था, किनका मृत्यु हो गया आपका, अरे टीपू सुल्तान के बाबू, ठीक है, चलिए तो ये चीज याद हो जाएगा आपका, ठीक है, अब आगे आ रहे हैं। अच्छा मैसूर कहाँ है आपका, कर्नाटक में, कहाँ पे, कर्नाटक। और कर्नाटक की राजधानी कहाँ है आपका, बेंगलुरु, कहाँ पे, बेंगलोर, ठीक है, चलिए थोड़ा पर्दा बंद कर दीजिए बाबू, सी पूजन, देखिए अब बाबू यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है आपका ये है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों ने जबरन कराई थी बाबू, ठीक है। अच्छा देखो अब करने का मतलब बाबू ये है कि अंग्रेज लोग कौन सी फसल को बढ़ावा देते थे, जो उनके व्यापार के क्षेत्र में अब लाभ हो, ठीक है, और उसको बेचने पर काफी ज्यादा वो लोग क्या कमाते हैं आपका, मुनाफा कमाते हैं। तो बाबू इसका जो आंसर है आपका दिया, ऑप्शन दिया हुआ आपका धान, नील, गन्ना, गेहूं, तो यहाँ पे आंसर होने वाला बाबू क्या आपका, नील, ठीक है, कौन सा, नील, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए बाबू, ठीक है, नील विद्रोह, ठीक है, नील विद्रोह, ठीक है, नील विद्रोह भी, नील विद्रोह बाबू हुआ आपका 1859 से 1860 के बीच बाबू, ठीक है, 1859 से 1860 के बीच में हुआ था, ठीक है। और ये कहाँ शुरुआत किया गया था विद्रोह, ठीक है, तो पश्चिम बंगाल के, ठीक है, यानी पश्चिम बंगाल के नदिया जिला बाबू, कौन सा जिला, नदिया जिला से शुरुआत किया गया था, किसका, यानी नील विद्रोह का, ठीक है। अच्छा ये आप एक भी रखे बाबू, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, क्या बाबू आपका, चंपारण सत्याग्रह बाबू, ये नील विद्रोह के लिए ही हुआ था, नील, यानी नील के खेती जबरदस्ती कराते बाबू कौन लोग, यानी जमींदार लोग, ठीक है, तो यहाँ पे नील विद्रोह के लिए बाबू एक आंदोलन हुआ था जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा था वो। और ये कब हुआ था, 1917 में हुआ था बाबू, ठीक है, कब हुआ था आपका, 1917 में हुआ था। और चंपारण बाबू कहाँ आपका, तो बिहार, कहाँ पे, बिहार, ठीक है। और ये चंपारण सत्याग्रह को बाबू नेतृत्व करता कौन थे, तो एम ना एम गांधी और महात्मा गांधी, ठीक है, बस रहे ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बताते हैं अगला क्वेश्चन है ना, पूरा गर्मी लग रहा है ना, चलिए चालू कर दे, नहीं देखो कोई भी चीज पाने के लिए तपना पड़ता बाबू, ठीक है, हाँ। और सोचेगा तो मैं तुरंत देखा मक्का, देखा कभी तो लो मक्का, अच्छा मक्का जब पूरा एकदम हरा रहता है तो उसका कीमत कैसे, 5 रुपए किलो,
पाइपर किलो होता है नहीं, लेकिन जब वही बाबू क्या करते हैं, किसान जब लाता है इसको पूरा फाड़ के ठीक है, और जो रास ना पूरा आग पर जब उसको पकाता है उसका रेट पता है कितना आता है, 20 रुपया। और पहले कैसे किलो भाव में बिक रहा था, लेकिन अभी कितना मिल रहा है, एक 20 रुपया में, ठीक है। तो कहना बाबू तपना पड़ता थोड़ा सा ना जब, अच्छा हम तो कोई इसी में खड़ा है का, देखो अब वो अगला क्वेश्चन ये था बाबू का कि संथाल मुंडा उराव किस राज्य के प्रमुख जनजाति बाबू, तो संथाल मुंडा और आपका उराव कहाँ का, झारखंड का, ठीक है, कहाँ का बाबू आपका, झारखंड का, ठीक है, झारखंड का ये लोग जनजाति बाबू। उसके बाद अगर बात करें ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें बाबू झारखंड के स्थापना कब हुआ था आपका, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है, यानी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बाबू स्थापना हुआ था। और झारखंड किससे बना आपका, कटके किससे बना है, ठीक है। अगर बिहार की राजधानी बात करें कहाँ पे, पटना, और झारखंड की राजधानी बाबू कहाँ, रांची ना, चलिए। उसके बाद बाबू ये 15 तारीख को ही तो रखा गया, यानी 15 तारीख को स्थापना दिवस, क्योंकि इसी दिन बाबू यानी 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा का जन्म है, ठीक है, जन्मदिन मनाया था बिरसा मुंडा का, बस रहे ना, इनको धरती आबा क्या कहते हैं, धरती आबा, ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा, ठीक है। कब जन्म हुआ था बाबू आपका, 1875 में, ठीक है, 15 नवंबर 1875 में जन्म हुआ था, किनका, बिरसा मुंडा बाबू, ठीक है। हालांकि ये 25 वर्ष तक जिंदा रहे बाबू, ठीक है, कितना वर्ष तक आपका, 25 वर्ष, 1900 ईस्वी में क्या होगा इनका, अरे डेथ हो गया बाबू, ठीक है, रांची सेंट्रल जेल में, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े, मतलब कोई सोच नहीं रहा है कुछ कुछ और, कोई सोचेगा कुछ हमको बताएगा। देखिए बस बाबू, भारत में पहला सूती कपड़ा मिल बाबू कहाँ स्थापित किया गया था आपका, तो बंबई में बाबू, कहाँ पे, बंबई में, ठीक है, बंबई में स्थापना किया गया था आपका, ठीक है, 1854 में, इसको तो कोई बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बस कुछ लोग पूरा देख रहे हैं कि पूरा दम नॉर्मल हो गया, चलो चालू कर ही देते हैं, ले लो दूंगा बाबू ना, देखो ना ना हमको ना लग रहा है, देखो बाबू इनमें से कौन, ठीक है, 1857 की क्रांति से संबंधित है बाबू, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है बाबू, आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि इसमें से कौन 1857 की क्रांति से संबंधित है, तो आप लोग खुद जान लीजिएगा। जैसे ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी मंगल पांडे, ऑप्शन डी बिरसा मुंडा, ठीक है, तो मंगल पांडे बाबू, ठीक है, कौन बाबू आपका, मंगल पांडे, ठीक है, तो मंगल पांडे बाबू है, यानी सबसे पहले 1857 की क्रांति को बिंगुल फुका था बाबू, ठीक है, मतलब शुरुआत करा था बाबू, बस रहे ना। और ये बाबू किस लिए बने हुआ था आपको, तो ऐसा कहा जा रहा था के रेजिमेंट बाबू, रेजिमेंट में दोनों हिंदू और मुस्लिम में लोग रहते बाबू, ठीक है, तो वो बाबू ये कि एक बात फैल गई बाबू क्या, कि जो कारतूस लगता है वो यानी गाय और सुअर के चर्बी से मिलकर बना होता है, ठीक है, गाय और सुअर के चर्बी से मिलकर बनाता है, और जो कारतूस बाबू उसको दांत से खींचना पड़ता है, किसे, दांत से, ठीक है, तो उसका धर्म बाबू क्या हो जाता, उल्लंघन हो जा रहा था, इसलिए उन्होंने बाबू क्या कर दिया, यानी विद्रोह कर दिया, ठीक है। तो पूछेगा 1857 के क्रांति में भाग कौन लेता बाबू का, तो यहाँ पे ऑप्शन यानी मंगल पांडे बाबू, ठीक है, इनको हालांकि फांसी भी दे दिया गया बाबू, ठीक है, 1857 में ही। चलिए देखो सेकंड क्वेश्चन आपका वही है आपका, ठीक है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था आपका, तो अरे क्या, अरे दाढ़ी रखने के लिए मना ही थे, दूसरा था छुट्टी नहीं मिलना, उस वास्ते गिरे जाना, या चर्बी वाले कारतूस का अफवाह बाबू, ठीक है, तो चर्बी वाले कारतूस का अफवाह आ गया था, इसीलिए बाबू ये क्या हो गया आपका, यानी विद्रोह हो गया, ठीक है। उसके बाबू यहाँ पे क्या था है? किस किस ठीक है, किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा था, ठीक है, तो बताया था आपको वुड्स डिस्पैच, ठीक है, कौन बताया था आपको वुड्स डिस्पैच को हम लोग कहते हैं क्या, भारत के, ठीक है, या भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा था, ठीक है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा था किसे, ठीक है, लिख देते हैं तुम लोग, सब पर तो नहीं होगा, ठीक है, वुड्स डिस्पैच, ठीक है, डिस्पैच इसको कहते हैं भारतीय यानी शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ठीक है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा था, ठीक है। आगे आ जाओ, शांति निकेतन का स्थापना बाबू, ठीक है, शांति निकेतन का स्थापना बाबू कौन किए थे आपको, रविंद्रनाथ टैगोर बाबू, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर अभी बताए थे आपको, ठीक है, और इसके बारे में भी डिटेल बताया आपको। चलिए आगे, उसके बाबू यहाँ पे क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, ठीक है, ये करंट से थोड़ा सा है, ठीक है, लेकिन आपका किताब में है ये चीज,
तो बाबू 22 जनवरी 2015 से, ठीक है, कितना आपका 22 जनवरी 2015 से शुरुआत किया गया, क्या बेटी बचाओ बेटी ना, मतलब बेटी को बचाना और बेटी को पढ़ाना है। तो आप लोग ऐसा कभी करते हैं, आप लोग सभी के भाई बहन आपके साथ पढ़ते हैं, ये ऐसा नहीं कर रहे हैं आप लोग के बहन है तो सरकारी में पढ़ाओ और अगर बेटा है तो क्या पढ़ाओ उसको प्राइवेट में पढ़ाओ, ऐसा नहीं कर रहा कोई भेदभाव आपके घर में, घर वाले नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा करते हैं तो हमको बताइएगा, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ देखिए, उसके बाबू यहाँ पे कहता है इनमें से कौन से अरे समाज धारक ने बाबू अपने पुत्र के शादी एक विधवा महिला से कराया था, ठीक है, किसे करा था बाबू का विधवा महिला से, ठीक है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऐसे व्यक्ति थे बाबू जिन्होंने अपने बेटे का अपने पुत्र का बाबू विवाह किसे करवाया था आपका अरे विधवा महिला से करवाए थे बाबू, ठीक है। कहते ना बाबू के सबसे पहले अगर कोई काम करना चाहते है ना तो बोलते रहे कि नहीं आप पहले कर लो तो तब देखेंगे कैसा लगता है, ठीक है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने पुत्र को ही सबसे पहले विधवा महिला से विवाह कराया था बाबू, ठीक है। बोलते ना कुछ अगर करना है तो फिर आपको दिखाना भी पड़ेगा, ठीक है, बोलने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसे हम बोल रहे हैं आप लोग सीख रहे हैं, कोई कोई हल्ला भी कर रहा होगा बीच में, क्या देखने गए सर जी। देखिए उसके बाद इनमें से कौन सा बाबू स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन संबंधित है बाबू, ठीक है। तो स्त्री और पुरुष, ठीक है, जो ये जो पुस्तक लिखे हैं तुलना जो की है स्त्री और पुरुष में वो कौन के हैं, ताराबाई शिंदे, कौन के हैं ताराबाई शिंदे, ये भी क्या थे आपका महिला थे, क्या थे महिला, ठीक है। तो ताराबाई शिंदे के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया, ठीक है। उसको वो यहाँ पे कहे इनमें से किन्हें पेरियार का नाम चलता है, ठीक है, पेरियार बताए थे शायद हम, ठीक है। तो ईवी रामास्वामी बाबू, ईवी रामास्वामी, ठीक है, हाँ ईवी रामास्वामी बाबू, ईवी रामास्वामी नायकर, ठीक है, नायकर क्या कहते हैं इसको, वो पेरियार कहते हैं, क्या कहते हैं पेरियार, ठीक है, पेरियार। और पेरियार बाबू राष्ट्रीय उद्यान में कहाँ पे आपका केरल में, कहाँ पे केरल में, ठीक है, हाँ। चलिए उसके बाबू अगला क्वेश्चन आपका, ठीक है, 1857 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज का स्थापना किसने किया था बाबू, तो आपका राजा राम मोहन राय ने, ठीक है, किसने किया था आपका राजा राम मोहन राय ने किए थे, ठीक है। उसके अगला क्वेश्चन बाबू निम्न से किसे अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो अगस्त क्रांति बाबू क्यों कहते हैं, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन बाबू, ठीक है, कौन सा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, आंदोलन के शुरुआत बाबू कौन सा माह में हुआ था, अगस्त माह में, कौन सा महीना में, अगस्त महीना में, इसीलिए इस आंदोलन को कहते बाबू क्या अगस्त आंदोलन कहते हैं, क्या कहते हैं अगस्त आंदोलन। और इसी में महात्मा गांधी के द्वारा एक नारा दिया गया था, करो या मरो, करो या मरो, ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया, ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, किसने कहा था सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे, ठीक है। चलो आगे आ जाए, अगला क्वेश्चन बाबू ये है कि इनमें से कौन से ग्रंथकारी ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली पर बम फेंका था बाबू, ठीक है, केंद्रीय असेंबली पर बम फेंका था, तो बाबू कौन थे आपका, तो आपका कौन बटुकेश्वर दत्त तो थे ही, और साथ में बाबू कौन थे आपका सरदार भगत सिंह, ठीक है, सरदार भगत सिंह, तो यहाँ पे बटुकेश्वर दत्त तो नहीं है ऑप्शन में, तो यहाँ ऑप्शन में क्या था आपका सरदार भगत सिंह बाबू, तो सरदार भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को बाबू नानका असेंबली पर बम फेंका था, ठीक है, क्या फेंका था बम। अब देखो किसी का जान लेने के लिए नहीं फेंके थे, ठीक है, बस जो असेंबली में जो लोग हैं वो बाहरे लोगों को सुनाई देने के लिए वो फेंके थे, ठीक है बाबू, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको फिर फांसी का सजा दे दिया गया, ठीक है। चलिए उसको वो अगला क्वेश्चन है जो झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक विश्व कप और एशियाई खेल में तीनों में पदक दिलाने वाले टीम सदस्य में रहे हैं, तो माइकल किड्डो, ठीक है, माइकल किड्डो, ठीक है, यहाँ पे ले देते हैं आपका माइकल, माइकल किड्डो, ठीक है, माइकल किड्डो, ये कहाँ के थे झारखंड के, कहाँ थे झारखंड के बाबू, ठीक है, तो हम लोग झारखंड के पीछे है का, हम लोग भी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं बाबू, ठीक है, बस तुम लोग थोड़ा पढ़ने में तुम लोग पीछे होगा। चलिए अगला देखो, अगला बाबू है आपका ये कि पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन है बाबू, ठीक है, संसाधन को धारण है तो आपको नवीकरणीय, ठीक है, कैसा आपका है नवीकरणीय। अगर आपसे अगर प्रश्न पूछते कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते तो क्या बोलेगा,
पवन चक्की तो है, लेकिन अगर पूछ देगा आपसे प्रश्न कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, क्या बोलिएगा? ठीक है, वैसा संसाधन, ठीक है, जिनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, दोबारा उपयोग किया जा सकता है, तो ऐसे संसाधन को हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है ना बाबू? नवीन, ठीक है, चलिए इसमें कब हो जाएगा आपका? अरे पवन चक्की किसके प्रकार के संसाधन है आपका? नवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय में कौन आ जाएगा? कोयला। कोयला एक बार जलाइएगा फिर से दोबारा उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब वो यहाँ पे कहे भारत के अंतरिक्ष एजेंसी यानी इसरो ने, कौन? इसरो ने द्वारा अभी हाल में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलता पूर्वक चंद्रमा पर और भेजा गया? ठीक है, तो चंद्रयान 3। और भारत विश्व का पहला देश बन गया बाबू जिसने दक्षिण ध्रुव पर बाबू यानी कोई सैटेलाइट को उतारा, मतलब चंद्रयान 3 कहाँ उतर है? दक्षिण ध्रुव। ठीक है, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरा बाबू। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन वही वाला है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? भारत। दक्षिण ध्रुव पर कौन पहुंचा है? भारत। ठीक है, गर्व से कहेंगे हम लोग कहा है? भारतीय है ना। चलो उसके बाद यहाँ पे गए, इनमें से कौन मृदा के निम्नीकरण के लिए सहायक होगा? ठीक है, मृदा खराब होने के लिए क्या ठीक है किस कारण रहता है आपका? तो ऑप्शन ये था आपका वनोन्मूलन बाबू, पेड़ पौधे की कटाई के कारण खराब हो जाता है मृदा। ऑप्शन बी था बाबू, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग करने से, मतलब जो हम लोग कीटनाशक का उपयोग करते हैं ना खेती बाड़ी में, ठीक है, उसके उपयोग से या फिर अतिचारण से समझ रहे ना, यानी पशुओं को ज्यादा यानी क्या करना, यानी पशुओं को क्या करना, चरा देना। ठीक है, कुछ क्षेत्र को घास वाले क्षेत्र को दूसरे घास देते हैं, मिट्टी को पकड़ के रखता है इस प्रकार से। ठीक है, और घास नहीं रहेगा फिर मिट्टी क्या हो जाएगा आपका, कटने में ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सभी का हो जाएगा बाबू, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए और अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत जो है वो पीने योग्य है? आपको बताया था कि पूरा पृथ्वी पर वो 70% क्या होगा? 71% जली है ना, उसमें बाबू आपका 2.7% जो है वो सिर्फ क्या होगा? पीने योग्य है। बाकी जल क्या है आपका? खारे जल है। क्या है? खारे जल। ठीक है, उसके बाबू यहाँ पे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना जो है वो किससे संबंधित है बाबू? तो ऑप्शन ए दे रहे आपको बच्चों की पढ़ाई से, ऑप्शन बी है सैनिकों से, ऑप्शन सी है युवाओं के कौशल विकास से, या उपयोग में सभी। तो बाबू युवाओं का कौशल विकास से, युवाओं का कौशल विकास से। ठीक है, हाँ देखिए उसके बाद क्वेश्चन अगला था, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादक किस देश द्वारा किया जाता है आपका? चीन के द्वारा। कौन सा देश के द्वारा? चीन। ठीक है, चीन के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर कहे बाबू कि हम लोग जनसंख्या में, ठीक है, अगर बात करेगा विश्व में जनसंख्या में पहला स्थान कौन है तो क्या बोलेगा? चीन है, भारत। ठीक है, भारत हो गया है। ठीक है, भारत हो गया अभी लेटेस्ट, लेकिन आपका किताब में बाबू 2011 वाला ही बात लिखा है। ठीक है, तो अभी किताब में अगर ऑप्शन अगर आ जाएगा क्वेश्चन कल आ जाएगा। ठीक है, अगर है पूछेगा तो आपका मार दीजिएगा पहला। ठीक है, अगर था पूछेगा तो मार दीजिएगा दूसरा। ठीक है, हाँ चीन। ठीक है, अगर है पूछेगा तो भारत, अगर इतना लेटेस्ट वाला क्वेश्चन दे दे तो ऐसे स्थिति में। ठीक है, चलो तुम लोग डर तो नहीं लग रहा है ना कल एग्जाम के लिए? पूरा पावरफुल में है ना? ऐसा चोरी भरोसे चोरी करेगा वो हम कह देते सब फैल करेगा। ठीक है, जी सर कहता है। देखिए देखो बाबू उसमें बाबू क्वेश्चन अगला है, इनमें से कौन से फसल को सफेद सोना कहता है बाबू? तो सफेद सोना कहो कपास को, लेकिन अगर यहाँ पे कहता सुनहरा रेशा, अगर क्या कहता सुनहरा रेशा, तो वहाँ पटसन ना, अरे पटसन हो जाता है वहाँ पे ऑप्शन, तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, जूट पटसन बस रहे ना, आप सोच रहे हैं दोनों चीज बोलना चाह रहे हैं। देखिए उसके बाबू अगला क्वेश्चन बाबू, इसमें एपिकल्चर, ठीक है, एपिकल्चर किससे संबंधित है बाबू? तो क्या बोलेगा? मधुमक्खी पालन से। किसे? मधुमक्खी पालन से। ठीक है, जबकि सेरिकल्चर किससे है आपका? रेशम उत्पादन से। ठीक है, रेशम उत्पादन से बाबू। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश मसाले उत्पादन में प्रमुख है, यानी मसाला में सबसे ज्यादा कौन उत्पादन करता मसाला का? भारत। हमारा भारत बस रहे ना,
यानी हम लोग का सभी का भारत, ठीक है। और भारत में वो कौन सा राज्य है आपका, तो केरल राज्य। कौन सा? केरल। और आपको पता है ना कि वास्को डिगामा 17 मई 1498 को आया था, कहाँ पे आपका? यानी भारत। और कहाँ पे? तो केरल के यानी कालीकट स्थान पर, ठीक है। कहाँ पे? कालीकट स्थान पर बाबू। कब आया था? 17 मई 1498 को। ये कहाँ के था वास्को डिगामा? पुर्तगाल के। कहाँ था? पुर्तगाल के था, ठीक है। और जब आया तो, और जब गया, जब गया वो तो बहुत सारे मसाला लेके गया। कहाँ पे? अपने पुर्तगाल। और ये पुर्तगाल किस महाद्वीप का देश बाबू? यूरोप का। किस महाद्वीप का देश है? यूरोप का, ठीक है। और पुर्तगाल के अगर राजधानी की बात करें तो लिस्बन बाबू। कहाँ पे? लिस्बन, ठीक है। हाँ चलिए, अब आगे रहिए। निम्नलिखित में से, उसके बाद हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है बाबू, ठीक है। मतलब खनिज आधारित समझ रहे ना, तो इसमें वो आपका लो जो है ना, लो एस इस्पात जो है वो आपका खनिज आधारित बाबू, ठीक है। अगर लो एस नहीं मिलेगा तो फिर चल भी नहीं पाएगा, ठीक है। और अभी लगता है कि कोई भी चीज बिना लोहा का बन रहा है, ठीक है। मतलब हर चीज में लगभग चाहिए, लेकिन एक तरह से बोल सकते बाबू की लो इस्पात जो उद्योग के लिए बहुत ज्यादा आ सकता है बाबू, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहे बाबू कि भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं, ठीक है। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं आपका? जमशेदपुर को। किसे कहते हैं? जमशेदपुर को। और जमशेदपुर यानी झारखंड के कौन से जिला में? पूर्वे सिंहभूम में। कौन सा जिला में? पूर्वे सिंहभूम में, ठीक है। हाँ, पूर्वे सिंहभूम में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इस तरह कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना, लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, उसके बाद झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध बाबू? तो उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है कौन? सिंदरी। कौन? सिंदरी, ठीक है। कौन? सिंदरी, ठीक है, याद रखिएगा। और घाटशिला बाबू किसके लिए? तांबा। घाटशिला किसके लिए? तांबा, ठीक है। और गोमिया बाबू बारूद के लिए, ठीक है। बारूद पसंद है ना, गोमिया। अगला क्वेश्चन बाबू आपका, और हटिया जानवे कर रहे हैं, हटिया बाबू, हटिया रेलवे स्टेशन है आपका कहाँ पे? रांची में। हटिया जानते हैं आप लोग? नहीं, अच्छा बड़ा हो जाएगा तब, ठीक है। इसी में कोई जाएगा बाहर कमाने के लिए, नहीं अच्छा सर पढ़े लिखेगा ना तो बाहर कमाएगा, तो जाकर प्लेट धोएगा भाई, धो रहे हैं, ठीक है। और उधर से गाली भी देगा कौन, इसलिए मन लगा पढ़ना है, ठीक है। ये बाबू एक ही हथियार है, ये हथियार है बस रहे ना, ये पावरफुल वाला हथियार है, गोली भारत सबसे बड़ा है, लेकिन कह सकते बाबू की कोई मार देगा तो मर जाएगा, लेकिन इसका पावर बहुत बड़ा है बस रहे ना, इसलिए इसको पावर बनाना है बस रहे ना। हाँ, बाकी बात पैसा रहेगा लूट ले रहेगा, लेकिन दिमाग खोपड़ी में रहेगा या सेटल तो कोई लूट पाएगा नहीं। अभी आए खाली हाथ आए, कुछ लेकर आए थे नहीं, आए पढ़ा रहे बस रहे ना। इसी प्रकार से बाबू आपके मोबाइल वाले का आए थे ना, तो मोबाइल बाबू क्वेश्चन इसमें, ठीक है। क्या आपका क्वेश्चन, ठीक है। चलो नहीं कोई बोल भी सकता है, कोई ठीक नहीं आजकल, ठीक है। अब वो इसमें क्या आपका है क्वेश्चन पूछा बाबू, 33 आपका क्वेश्चन, 33 में पहुंच गए, ठीक है। देखिये इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के बाबू कारण क्या है, ठीक है। तो जनसंख्या परिवर्तन बाबू किसके कारण आता है आपका? तो जन्म दर, ठीक है। किसमें आता है? जन्म दर के कारण, ठीक है। चलो अभी और बताएंगे उसका। चलिए तो एक बाबू आ जाएगा आपका जन्म दर, ठीक है। यानी बच्चे का जन्म जब होता है तो उसमें भी जनसंख्या में परिवर्तन होता है, उसके बाद वो मृत्यु, उसके बाद आपका क्या? मृत्यु। और उसके बाद वो प्रवास, प्रवास हो रहे ना, प्रवास भी दो प्रकार का होता है, उत् प्रवास और अप्रवास, उत् प्रवास और अप्रवास। जैसे अभी मान लो कि हमको यहाँ पे रह रहे, अभी यहाँ पे रह रहे, अब पता चला कि हमको भाई पैसा सब थोड़ा ठीक ठाक लगा और यहाँ के माहौल ठीक ठाक नहीं लगा, हम चल गए कहाँ पे? अमेरिका। कहाँ चल गए? अमेरिका। तो वही वहाँ पे ये मेरा प्रवास, फिर यहाँ पे जनसंख्या क्या हो गया आपका, कब हुआ ना? एक हुआ, लेकिन हुआ कि नहीं? तो खाने में तो जनसंख्या बहुत परिवर्तन करने के लिए तीनों कारक है, जन्म दर, मृत्यु दर और आपका प्रवास बाबू, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन दिया बाबू इनमें से सभी, इसमें क्या होता है आपका? सभी, ठीक है। यानी तीनों तो हो जाएगा, ऑप्शन डी में दिया था आपका तीन में से सभी, तीन में से सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बाबू आपका कि आजादी के बाद भारत में किस तरह के शासन पद्धति को अपनाया गया, ठीक है। तो बाबू यहाँ पे क्या राजा को है क्या? भारत के को राजा है क्या? नहीं, यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाया गया। कौन सा अपनाया गया? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाया गया, ठीक है। और हमारे यहाँ पता है ना विधायक का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष का, ठीक है। प्रधानमंत्री कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। राष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का, ठीक है। उपराष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का, ठीक है। हाँ, जबकि राज्यसभा सदस्यों कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। लोकसभा के कितना होता है? 5 वर्ष का। कल एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, क्वेश्चन डरना चाहिए तुमसे, अरे हम आगे इसके सामने ऐसे एकदम बस रहे ना, बुलंद में जाना है,
मतलब क्वेश्चन डरना चाहिए, तुमको डरना नहीं है, क्वेश्चन डरना चाहिए तुमसे। हाँ देखे, अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन था आपका कि भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह के मौलिक अधिकार दिए हैं। हाँ पूछ रहा है, छह। लेकिन भारतीय संविधान में कितना था? सात। कौन सा अधिकार को हटा देगा? कब हटा गया? 1978 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया, ठीक है। 77 नहीं, 1978 में हटा दिया गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे आ जाएंगे, भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? तो हमारे भारत में वो धर्म निरपेक्ष है। कैसा देश है? धर्म निरपेक्ष। यानी कहने का मतलब बाबू ये है कि हमारा भारत में बाबू देश राष्ट्रीय धर्म कोई भी नहीं है, ठीक है। इसीलिए हमारा भारत देश क्या होगा? धर्म निरपेक्ष, ठीक है। धर्म निरपेक्ष हमारा है ना, ठीक है। किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता बाबू हमारा देश, ठीक है। आगे आइए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बाबू, ठीक है, सॉरी अरे प्रधानमंत्री बोलिए, यहाँ पे क्या बोलिए? प्रधानमंत्री। तो आपका क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी बाबू। उसके बाद आज तक कोई महिला प्रधानमंत्री अभी तक नहीं बनी। अगर राष्ट्रपति अगर पूछ तो प्रतिभा देवी से पाटिल, ठीक है, हाँ वो बड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू है, सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? ये इतना रोड देख रहा होगा ना, आवास देखता होगा, गरीबों के लिए बनाया रहा है, अभी अब आवास चल रहा है, ये सब सारे बाबू पैसा कहाँ से आते हैं? कर से, ठीक है, टैक्स से आते हैं, ठीक है, आते हैं टैक्स कर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाबू, इनमें से कौन सा भारतीय संसद के तीनों सदन के, ठीक है, संसद के अंग है? संसद के अंग पूछेंगे तो तीन बाबू, कितने? तीन। पहला कौन? लोकसभा। दूसरा कौन? राज्यसभा। तीसरा कौन? राष्ट्रपति। अगर संसद के अंग पूछेगा कितने? तीन। और संसद के अगर सदन पूछे तो दो। कौन? लोकसभा और राज्यसभा। गड़बड़ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। लोकप्रिय सदन किसको कहते हैं? लोकसभा को। लोअर हाउस किसे कहते हैं? लोकसभा को। निम्न सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को। लोकप्रिय सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को, ठीक है। और लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। किसको है? राष्ट्रपति को है, ठीक है। और जबकि राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता है, ठीक है। और राज्यसभा को बाबू उस सदन का कहते हैं? उस सदन, या फिर हम लोग कहते हैं अपर हाउस। क्या कहते हैं? अपर हाउस। गड़बड़ नहीं होना चाहिए बाबू, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कल हम सब जानेंगे क्वेश्चन, कल क्वेश्चन देखना चाहते हैं कितना कोई करके आ रहा है। चलिए अगला, कल ही था ना, हाँ देखिए, अरे आप मंडे को देखें, देखिए इनमें से उसके बाद क्या है का? किस अरे किसको भारतीय संसद का उस सदन कहा जाता है? अभी बताएं, उस सदन किसको कहते हैं? राज्यसभा। किसको? राज्यसभा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर, इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? कौन दिवस मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन के बाबू। कितना सितंबर को मनाते हैं? 5 सितंबर को मनाते हैं बाबू, ठीक है, 5 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का अधिकार है? तो कानून बनाने का अधिकार बाबू किसको है? संसद को। किसको है? संसद। कानून में संशोधन कौन कर सकता है? संसद। कौन कर सकता है? संसद, ठीक है। अरे ना, और कानून बना सकता है कौन? संसद। और संसद में कौन बनाते हैं? लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। गड़बड़ नहीं होगा, चलिए बहुत अच्छा। उसको अगला क्वेश्चन आएगा, झारखंड राज्य किसे कौन कर रहा है? झारखंड राज्य से अन्य कितने लोकसभा के संसद चुने आते हैं, ठीक है। लोकसभा अगर पूछेगा तो 14, कितना? 14। और राज्यसभा अगर पूछेगा तो 6। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि झारखंड से कुल कितने सांसद जाते हैं लोकसभा राज्यसभा में, तो उसमें 20, कितने? 20, ठीक है। 14 किसमें? लोकसभा में। और 6 कितना किसमें? राज्यसभा में। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। वो दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, वो आ ही गया आपका, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी आपका? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है, हाँ। और विनोद कुमार गुप्ता जानते हैं ना, क्या थे? प्रथम अधिवक्ता ना, अरे मुख्य न्यायाधीश थे बाबू झारखंड उच्च न्यायालय के, याद रहेगा नहीं? हाँ। उसका अगला क्वेश्चन था आपका,
कि देश में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है आपका? देश में अभी पूरा भारत में कितने उच्च न्यायालय है बताओ? कितना इजी क्वेश्चन तुम लोग नहीं जान रहा है, बड़ा विजितीय हो रहा है रे। कितना? अरे देखो 14 बोल रहा है, 24। कितना हुआ? 24। लेकिन अगर 24 नहीं रहेगा ऑप्शन में तो 25 करेगा, 25 में मार दीजिएगा, ठीक है? लेकिन अभी वर्तमान का किताब में कितना है? 24। कितना है? 24, ठीक है। चलिए देखिए, आप लोग का हमेशा मतलब वो FIR नहीं बोलता है कि लड़ाई करेगा, फट से बोला हम FIR कर देंगे तुम्हारे पर। बोले कहा था FIR का फुल फॉर्म? बोला FIR का फुल फॉर्म मतलब जानवर करेगा ना, लेकिन आदमी कहेगा हम तो पर FIR कर देंगे। बोले FIR का फुल फॉर्म बता दो, थोड़ा सा जाना है ना। लेकिन कहेगा कि ना हम थोड़ी जानते हैं भैया, हम तो जानते करें का केस करने जानते हैं। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट किसका फुल फॉर्म? FIR का फुल फॉर्म फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है? चलो हिंदी देखिए, तो यहाँ पे क्या होता है? और वैसे समुदाय में वो जो गरीबी अशिक्षा के कारण विकास के पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया था वो? तो हम लोग देख बताए थे आपको कि कॉपी में जब लिखते हैं तो कॉपी के कुछ भाग क्या करते हैं? अरे छोड़ते, इसको अशियाकरण कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं? अशियाकरण, ठीक है? अशियाकरण, ठीक है? याद रहेंगे ना? चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बाबू आपका कि झारखंड में कितने प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति का है? अनुसूचित जनजाति का है तो कितना होगा? 26। कितना होगा? 26 है, 32। अरे आदिम जन, अरे जनजाति अगर पूछेगा जनजाति कितने हमारे झारखंड में, तो 32 प्रकार के जनजातियां पाए थे। कितने प्रकार के? 32 प्रकार के जनजाति पाए थे, ठीक है? और आदिम पूछेगा, क्या पूछेगा? आदिम पूछेगा तो 8 है बाबू। कितने? 8। इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब देखो दोनों ऑप्शन में दिए, 32 भी दिए, 26 भी दिए, ठीक है? और आपको 8 जो है वो 8 में होगी, ठीक है? मतलब कितना बाबू? 26%, ठीक है? 26% लोग बाबू क्या आपका जनजाति, परसेंट अलग है और संख्या अलग है, ठीक है? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। हम जान रहे हैं कि तुम लोग क्या पढ़ने लिखने थोड़ी मन लगता है, अभी अगर बताएंगे ना क्या तो कहानी एकदम चुटकुला एकदम मजेदार वाला ना, तो तुम लोग पूरा भी खुश रहेगा। चलिए देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन बाबू, सरकार द्वारा बालिकाओं के समृद्धि से संबंधित योजना बाबू कौन सा है आपका? तो सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है? कौन सा बाबू आपका? सुकन्या समृद्धि योजना। तो ये थे बाबू आपका झारखंड के, जो झारखंड अकाउंटिंग के द्वारा बाबू जो मॉडल सेट जारी किया गया था आपका क्लास 8 के, ये 50 क्वेश्चन कराए बाबू। तो क्या लगता है आप लोग 50 क्वेश्चन ही सीखे? 50 क्वेश्चन ही सिखाए सिर्फ? नहीं, ज्यादा सिखाए ना। बारी पीड हुआ, कितना मिनट पीड हुआ? कितना क्वेश्चन कल सबको बोलो कि क्वेश्चन करके आएगा नहीं, ठीक है? चलिए तो इतने बाबू आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे कभी आप लोग से दोबारा। तब तक के लिए धन्यवाद, और क्या कहें।